खबर नोएडा से है, जहां पर शातिर लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में गिरोह का सरगना है। गाड़ी में सवारी बैठाकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिए करते थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की कई मामलों को अंजाम दे चुका है। तो नोएडा सेक्टर 39 का यह मामला है, जहां पर एक गिरफ्तार किया गया है गिरोह के एक सदस्य को, जिसने कई वारदातों को अंजाम दिया। बता दें कि शातिर लुटेरा, जो कि गाड़ी में बिठाकर लोगों से लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था, नोएडा के सेक्टर 39 का मामला है। तो कई और भी इसके सहयोगी हैं, जिनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। तो गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। सेक्टर 39 के एरिया से या आसपास के अन्य थानों के एरिया से एक गैंग काम कर रहा था, जो अपनी गाड़ी में कुछ लोगों को पहले से अपने साथियों को बिठा के रखता था, और जो कहीं बाहर जाने वाले यात्री होते थे उनको अपनी गाड़ियों में बिठाकर और कुछ दूर सुनसान जगह पर ला करके उनसे पैसे लूटता था और उनको ही छोड़ देता था। इस गैंग के बारे में हम लोगों ने हमारी टीम काम करना शुरू की और 39 की टीम को सफलता मिली है। इसमें हम लोगों ने एक अनिल नामक अपराधी को गिरफ्तार किया है, और जो जिस गाड़ी से ये घटनाएं हो रही थी उस गाड़ी को हम लोगों ने उसके पोजीशन से बरामद की है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं गिरीश नारायण का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो गिरीश, शातिर लुटेरा जो गिरोह का पूरा सदस्य है उसकी तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब कब साथी जो हैं इसके उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाएगी? जी फिलहाल जो पुलिस का आला अधिकारी है उनका कहना है कि जो ये शातिर बदमाश अनिल नाम का पकड़ा गया है, ये पूरे गैंग का सरगना है। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद लगातार पुलिस इसको पूछताछ में लगी हुई है, और इसके जो अन्य साथी हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। गिरीश, कहां कहां पर कितने मामले इस गिरोह के जो सदस्य हैं उन पर दर्ज हैं, और कितना शातिर कितना जरूरी यहां पर पुलिस के लिए ये शातिर लुटेरा था? फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, तो हाल के ही 2 महीने के अंदर करीब आधा दर्जन जो लूटपाट की वारदातें हैं इनके द्वारा की गई कबूली गई है। उसके अलावा भी पुलिस का कहना है कि ये गैंग काफी समय से सक्रिय था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब चुनौती पुलिस के लिए गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए। धन्यवाद, चलिए गिरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।